इंदौरा के मंड क्षेत्र के गांव गगवाल में नशे के विरुद्ध स्थानीय युवकों ने मंगलवार रात 9:30 बजे धावा बोला और लाखों मिलीमीटर अवैध शराब लाहन पकड़ी। बड़ी संख्या में युवकों ने गगवाल गांव में रह रहे नशे के तस्करों के घरों में घुसकर नशा माफिया द्वारा मिट्टी में दबाकर रखे गए शराब के भरे 14 कैन ढूंढ निकाले व ट्रॉली में डालकर पुलिस चौकी ठाकुर द्वारा ले गए। थाना प्रभारी संदीप पठानिया ने बताया कि सूचना मिलते ही थाना इंदौरा के ASI चतर सिंह, मुख्य आरक्षी विपिन शर्मा व टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। धावा बोलने वाली टीम को देखते ही आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि युवा टीम तस्करों को पहचानती है। इसी के आधार पर गगवाल निवासी रेशम सिंह और अक्की के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक 40 लीटर क्षमता के कुल 14 कैन पकड़े गए हैं, जिनमें शराब की मात्रा 4,50,000 मिलीलीटर आंकी गई है। हमने ये कल भी अभियान किया था ठाकुर द्वारा और किसनपुर सोसाइटी का, दोनों ने मिलकर ये काम किया था। कल हमने 8 कैन जो कच्ची लाम की पकड़े थे और आज भी हमने अभियान किया और इसमें 14 कैन जो है स्प्लिट के मिले हैं और प्योर स्प्लिट है, जो कि जमीन के अंदर उन्होंने दबा के रखी हुई थी, छुपा के रखी हुई थी। और हम ये चाहते हैं कि ये किसी न किसी, क्योंकि जो जो नशे के तस्कर हैं वही ये काम कर रहे हैं और उनके ऊपर ये केस डालने चाहिए ये, क्योंकि जी जो डाल रहे हैं अज्ञात जो डाल रहे हैं तो गलत बात है। तो जो कर रहे हैं, ये तस्करी कर रहे हैं, जिनका भी माल बाहर जाता है, इनके ऊपर ये केस डालना चाहिए। दिव्य हिमाचल वेब TV के लिए ठाकुर द्वारा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।